नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। घर पे है तो घर पे सब स्वस्थ ही होंगे। मैं वीना खैर पिपी समाई सारा परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है मैं आपको कौन सा विषय पढ़ाती हूँ, हिंदी। तो हिंदी में आज हम पहला पाठ चित्रपाठ है, जिसमें कहानी है। चित्रपाठ यानी क्या? तो चित्रपाठ यानी कि चित्र के ऊपर से आपको कहानी बनानी है। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना कि चित्र वर्णन, वैसे ही हिंदी में चित्रपाठ, चित्र के ऊपर से आपको कहानी बनानी है, लिखनी है, बोलनी है। तो कहानी कहानी सुनने से क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगी कि कहानी सुनने से छात्रों को नए शब्द, वाक्य और भाषा संरचनाओं को जानने का मौका मिलता है। यानी कि मैं कहानी कहती हूं तो कहानी सुनने से आपको नए नए शब्द मिलते हैं, नए नए वाक्य मिलते हैं, नई नई भाषा सीखने को मिलती है। कहानी बोलने और लिखने से आपकी क्षमताएं बढ़ती है, बच्चों की क्षमताएं बढ़ती है। हमें पता है कि पहले बच्चे क्या करते थे कि अपने दादा दादी के पास से कहानी सुनते थे। वो कहानी क्यों सुनते थे? क्योंकि उनको उसमें रुचि रहती थी, उनको कहानी सुनने के लिए अच्छी लगती थी। कहानी सुनने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जब तक कहानी नहीं सुने तब तक उनको नींद नहीं आती है। लेकिन आज का जमाना कैसा हो गया है, मोबाइल और इंटरनेट, सब लोग मोबाइल और इंटरनेट पे कहानी सुनने लगे हैं। दादा दादी से जो कहानी सुनते थे वो बहुत कम देखने को मिलता है कि दादा दादी से बच्चे कहानी सुनते हैं। तो कहानी सुनने से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, हम कल्पना कर सकते हैं। आपको अगर चित्र दिया हो तो हम चित्र के अनुसार कहानी बना सकते हैं, कल्पना करके कहानी बना सकते हैं, और फिर हमें दुनिया भर की कहानी अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कहानी देखेंगे, दयालु शिकारी। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्रपाठ दिया गया है। आपको दिख रहा है चित्रपाठ? हाँ। तो चित्रपाठ में हिरन और शिकारी यानी कि दयालु शिकारी चित्रपाठ का नाम है। यहाँ पे चित्रपाठ के ऊपर से मैं आपको कहानी बोलूंगी, आपको सुननी है, और यह कहानी आपको ध्यान से सुननी है। क्यों? क्योंकि अगले पीरियड में मैं आपको ऐसे ही दूसरा चित्रपाठ दूंगी और उसके ऊपर से आपको कहानी लिखनी है। इस चित्रपाठ में एक हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है तो गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह उसको छोड़ आता है। अब मैं विस्तार से आपको कहानी कहती हूँ। एक शिकारी था। कौन था? शिकारी। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। अगर आपको मैं ऐसा प्रश्न पूछूं कि शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई, तो शिकारी को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। शिकार करने के लिए बंदूक की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। मोटी ताजी यानी खा पी के मस्त होते हैं ना, वैसी कि शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हिरनी देखने में कैसे थी, तो हिरनी देखने में मोटी ताजी थी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। वह जो शिकारी था वह पेड़ के पीछे छिप गया था और हिरन को इसका पता नहीं था, इसीलिए वह उसी की तरफ दौड़ती हुई
आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। निशाना साधा यानी आपने गुजराती में कहे निशान ताकियो, बराबर। तो एने उसने हिरनी की ओर ही निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की साध में आते ही शिकारी की गोली छोड़ी। वह दौड़ती दौड़ती जा रही थी, वैसे ही जैसे ही निशान साधा तो शिकारी ने गोली छोड़ दी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। गोली की आवाज सुनकर हिरन क्या करने लगे? तो गोली की आवाज सुनकर हिरन इधर उधर भागने लगे। देखो यहाँ पे इधर उधर वह विलोम शब्द है। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शावक यानी पशु पक्षी का बच्चा। पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो शावक। शिकारी जैसे ही हिरनी के पास जाता है तो उसने क्या देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शिकारी ने क्या देखा? तो शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक, एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है कि शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ पे लगी थी? तो शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग पे लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर हमको चोट लगती है, अगर हम कहीं पे गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, तो हम भी रोने लगते हैं। तो ये तो पशु है, तो पशु को भी, भले वह पशु है लेकिन संसार में सभी को जीने का अधिकार होता है, तो वह उसको भी गोली लगने से दर्द होता है, तो वह उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। दिल भर आया, आया यानी दया आया, दया आनी कि आ चित्र, आ दृश्य जोईने शिकारी नु दिल पण भराई गयो। उसने बहुत पछतावा हुआ। वह पछताने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया कि ये हिरनी ने तो एक छोटे से शावक को जन्म दिया है और मैंने उसी हिरनी का शिकार कर दिया। यह देखकर उसे पछतावा हुआ। जंगल में कुछ ही दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। इलाज यानी चिकित्सा। कि जंगल के कुछ ही दूर पर एक पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल था। देखो यहाँ पे एक और एक विलोम शब्द है, दूर। दूर यानी नजदीक। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां से ले गया। कि शिकारी ने क्या किया कि हिरनी और उसके बच्चे दोनों को वह अस्पताल पे ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। डॉक्टर ने क्या किया कि हिरनी की टांग पे जो गोली लगी थी वह निकाल ली और घाव यानी चोट के ऊपर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। हम लोगों को कुछ लगता है तो हम भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाते हैं या फिर दवा लाते हैं, तो उससे हमें आराम मिलता है। वैसे ही हिरनी का इलाज किया तो उससे हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी के बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। शिकारी ने फिर क्या किया कि हिरनी और उसके बच्चे दोनों को जंगल में छोड़ आया। तो देखो बच्चों, यह इस चित्रपाट से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति भी मानव का जैसा व्यवहार करना चाहिए। कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो जैसा हम मानव के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें पशुओं के साथ भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में सभी को जीने का अधिकार है, वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको जीने का अधिकार है।
है। तो हमें इस कहानी में से यह सीख मिलती है, हमें कभी भी पशु पक्षी का शिकार करना नहीं चाहिए। अगर कोई हमें मारेंगे, अगर कोई हमें चोट पहुंचाएंगे, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं। तो वैसे ही पशु, वो तो बोल भी नहीं सकते, हम तो बोल भी सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो हमें उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, मैंने आपको पूरी कहानी बताई, कहानी बताते बताते मैंने आपके साथ प्रश्नोत्तरी भी की, तो उसी के हिसाब से कहानी के अनुरूप मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं, और यही प्रश्न मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगी। तो मैं आपको प्रश्न भी मैं बोलूंगी और उत्तर भी मैं बोलूंगी, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। आपके पास अभी पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो मैं जो आपको प्रश्नों के उत्तर बोलूंगी वह आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि शिकारी ने जंगल में क्या देखा। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कहानी बताई तब मैंने आपको बताया था कि शिकारी ने जंगल में क्या देखा। तो शिकारी ने जंगल में एक मोटी ताजी हिरनी देखी। फिर पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। हिरनी को गोली कहाँ पे लगी थी? शिकारी ने जो गोली चलाई थी वो हिरनी पर कहाँ लगी थी? तो शिकारी ने जो गोली चलाई थी वह हिरनी को उसकी टांग पे लगी थी। दूसरा प्रश्न है, शिकारी हिरन और उसके बच्चे को कहाँ ले गया था? तो शिकारी हिरन और उसके बच्चे को पशुओं के अस्पताल ले गया था। शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में हिरन का मांस खाने के लिए, शिकार करने के लिए गया था। तो बच्चों, मैंने ये प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं वर्कशीट में, तो आपको अच्छे अक्षर से हिंदी की अलग से नोट बनानी है, अच्छे अक्षर से लिखना है, और जब स्कूल स्टार्ट होगी तो यही नोटबुक हम चेक करने के लिए लेंगे। तो हर रोज़ जो भी विषय की वर्कशीट आती हो तो उस वर्कशीट को हर रोज़ आप कंप्लीट करिए और उसको अच्छे अक्षर से लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।